हेलो गाइस, डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द गार्जियंस, माई सेल्फ हरीश चतुर्वेदी। मैं थोड़ा सा एक लाइन के साथ स्टार्ट करना चाहूँगा कि मेरे करियर का शुरुआत से जो एक मेन ड्रीम जो रहा वो ये रहा कि मैं IIT जेई और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा फैकल्टी बनूँ, एक बहुत अच्छा मेंटर बनूँ। स्टूडेंट्स, मैं इसमें एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में जो फेज होता है करियर का, जहाँ से जनरली 11th 12th के आसपास आता है, तो ईच स्टूडेंट ये बात को सोचकर चलता है कि हमें यहाँ से डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर। मेरा उन्हीं दिनों में एक माइंड सेट था कि मुझे एक बहुत अच्छा IIT और मेडिकल का फैकल्टी बनना है, बहुत अच्छे से रिजल्ट्स देने हैं, बहुत अच्छे से बच्चों पे मेहनत करनी है और इतना खुद का सब्जेक्ट स्ट्रांग बना ले कि उसी लेवल पे बच्चे का भी सब्जेक्ट हम स्ट्रांग बना सकें, क्योंकि ये कोई छोटी एग्जाम्स नहीं है, बहुत टफ लेवल की ये एग्जाम्स हैं। इस ड्रीम को करने के लिए मैंने शुरुआत से मेहनत की, बहुत अच्छी मेहनत की। इसके लिए मैंने अच्छे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स में भी काम किया। मैंने 3-4 साल DS साइंस अकेडमी कंटिन्यू में काम करता रहा हूँ। टीम के साथ बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमने दिए हैं, IIT JEE में भी हमने रिजल्ट्स दिए हैं, मेडिकल में भी हमने रिजल्ट्स दिए हैं और आगे भी यही मेरा सपना है। और साथ ही साथ ये एक तरीके का कमिटमेंट भी है कि हम आगे भी बहुत बहुत अच्छे, इससे अच्छे रिजल्ट्स देने वाले हैं और देंगे बिल्कुल। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबसे हमारे ये वादा है कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। एक टीचर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात जो होती है वो ये होती है कि वो अच्छी से अच्छी मेहनत करे, और वो मेहनत तब कर पाता है जब उसी कैलिबर का स्टूडेंट उसको मिलता है। बीच में मैं कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए DS साइंस अकेडमी से दूर रहा, वो मेरे लिए खेद का विषय भी है, लेकिन अब हम वापस DS साइंस अकेडमी में हैं, पूरी टीम हमारे साथ है, वी आर बैक विद मोर स्ट्रॉन्ग टीम नाउ, और यही चाहेंगे, यही मंगल कामनाएं करेंगे कि स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा रिजल्ट्स यहां से जाए। क्योंकि मुझे शुरू से कहा जाता रहा, जिन भी सीनियर्स की प्रेजेंस में मैंने काम किया, चाहे मैंने एलन करियर इंस्टीट्यूट में काम किया, रेजो आकाश के कई टीचर्स के साथ मैंने काम किया, तो मुझे शुरू से यही बता दिया कि आप सर एक सब्जेक्ट के बहुत अच्छे कीड़े हो, बहुत अच्छी मेहनत करते हो स्टूडेंट्स को लेकर। स्टूडेंट्स से भी मुझे हमेशा से ये लगा, जब भी मैं क्लासरूम्स में खड़ा होता था तो मेरे अंदर ये वाइब्स आती थी। और जिस दिन, ये मान लीजिए कि संडे भी जिस दिन होता है और उस दिन यदि मुझे स्टूडेंट पढ़ाने को नहीं मिले, तो उस दिन बहुत बहुत अंदर से मैं ऐसा फील करता हूँ जैसा एक भूखा कैसा फील करता जब उसको खाना नहीं मिले, एक प्यासा कैसा फील करता जब उसको पानी नहीं मिले। तो मतलब ये जो टीचिंग जो है वो मेरा डेली लाइफ का डोज है, यदि ये मुझे नहीं मिलता है तो मैं इसके बिना रह नहीं पाता हूँ, मैं अंदर ही अंदर इसके बिना चिड़चिड़ा होने लगता हूँ कि जब तक मुझे एक बहुत बढ़िया एमिनेंट टीचिंग नहीं मिलती है, जब तक मेरा अंदर का पूरा टीचिंग नहीं निकल कर आता है, तब तक मैं उस दिन को मेरे लिए एक अच्छा दिन नहीं मानता, उस रात को मेरे लिए अच्छा रात नहीं मानता, मुझे नींद नहीं आती उस रात को। तो अभी हम आपके सबके साथ हैं, आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, टीम बहुत स्ट्रांग है, पूरी टीम स्ट्रांग है, और मैंने कई इंस्टीट्यूट्स में काम किया है, बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में, आप नाम लीजिए, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स में मैंने काम किया है, लेकिन मैंने जो वर्किंग एनवायरनमेंट यहाँ फील किया है वाकई में इससे पहले कभी फील नहीं किया। मैं बिल्कुल ये बात रियलिटी में बता रहा हूँ कि यदि मेरे कुछ और ड्रीम्स होते तो हो सकता मैं UPSC वगैरह की तैयारी करता, गवर्नमेंट जॉब ऑफिसर्स की मैं तैयारी करता, केवल इस ड्रीम की खातिर कि मुझे IIT JEE और मेडिकल का बहुत बेस्ट मेंटर बनना है। मैंने इसके अलावा किसी और फील्ड को कभी चुना ही नहीं, ना मैंने कोई बिजनेस चुना, ना मैंने इसके अलावा कोई और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी चुनी। देखिए, एक बहुत मजबूत टीम जो बनती है उसका मजबूत जो स्तंभ होता है वो होता है डायरेक्टर। एक मजबूत टीम डायरेक्टर के बिना नहीं चलती। यदि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, इंडियन क्रिकेट टीम शुरू से बहुत स्ट्रांग रही है, लेकिन जितने खिताब उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीते, ये लीडरशिप का ही तो परिणाम था, वरना खिलाड़ी इंडिया में एक से एक रहे हैं। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि श्रीमान उमेश कुमार शर्मा सर की डायरेक्शनशिप में जितने अच्छे रिजल्ट्स जनरेट होते हैं वो वाकई में बहुत दुर्लभ रिजल्ट्स होते हैं। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा हाथ क्या है कि डायरेक्टर सर खुद साइंस स्ट्रीम से है, इन्होंने बहुत टाइम तक IIT JEE के लिए बच्चों की मेंटरिंग की है, बहुत अच्छे अच्छे रैंक्स गंगापुर सिटी को प्रोवाइड करवाई है, आसपास के एरिया को प्रोवाइड करवाई है, बहुत अच्छी टीचिंग इन्होंने की है, बच्चों के साथ दिल से जुड़े हैं। और जब ये चीज़ें बच्चों के साथ जुड़ जाती है, एक फील वहाँ आने लगता है, उनको ये पता लगने लग जाता है कि किस तरीके का एक फैकल्टी होना चाहिए, एक टॉप क्लास बैच में कैसे फैकल्टी को कैसे डील किया जाना चाहिए, उस फैकल्टी के लिए क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उन स्टूडेंट्स के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए, सारी चीज़ें, डेकोरम जो एक कोचिंग एक्चुअल मांगता है, कॉर्पोरेट कोचिंग जो एक डेकोरम मांगता है, वो उन्होंने स्टार्टिंग से जनरेट की। और यही उसका परिणाम है कि आज इंडिया के तमाम जगहों से अच्छी अच्छी फैकल्टी DS साइंस अकेडमी में आने के लिए आतुर हैं, आगे भी आएंगी, पास्ट में भी आई हैं। कुल मिलाकर जो लाभ हुआ इससे स्टूडेंट्स का हुआ है, श्रीमान उमेश कुमार शर्मा सर ने यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें। तो हम आप सबके साथ हैं, DS साइंस अकेडमी में हैं, उमेश सर के साथ हैं, आशुतोष वर्मा सर के साथ हैं, पूरी टीम के साथ हैं, हम मेहनत करेंगे और आगामी परिणाम आप देखना बहुत अच्छे आने वाले हैं। धन्यवाद गंगापुर सिटी।